दोस्तों, डिटेक्टिव विनोद को तो आप जानते ही हैं, जिसे जमशेदपुर का जेम्स विनोद भी कहा जाता है। आपने डिटेक्टिव विनोद के पिछले केस की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें बड़ी ही चालाकी और सूझबूझ से डिटेक्टिव विनोद ने उस बियरिंग के चोर का पता लगाया था, जिसकी वजह से वो बियरिंग कंपनी लाखों का नुकसान भुगत चुकी थी। लेकिन इस बार का केस काफी पेचीदा है, क्योंकि इस बार एक कत्ल हुआ है। जिस कमरे में कत्ल हुआ वो कमरा अंदर से ही बंद था, मगर कातिल अंदर नहीं, अंदर है सिर्फ एक खून से लथपथ लाश। क्या है हकीकत, आइए सुनते हैं जेम्स विनोद की ये कहानी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हफ्ते में एक या दो कहानी जरूर लेकर आता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। डिटेक्टिव विनोद डाइनिंग टेबल में बैठा डिनर कर रहा था। अभी उसने सिर्फ एक ही रोटी तोड़ी थी कि उसका फोन घनघना उठा। ओहो, किसका फोन आ गया, ठीक से खाना खाने भी नहीं देता है फोन। डिटेक्टिव विनोद ने हाथ में पकड़ी हुई रोटी को वापस प्लेट में रखा और अपना मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, गुड इवनिंग डिटेक्टिव, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बताएं क्या सेवा है मेरे लिए। अजी साहब, सेवा के लिए तो हम पुलिस वाले बैठे हैं, आपसे बस एक केस में थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या आप अभी हनुमान कॉलोनी आ सकते हैं? जी जरूर आऊंगा, पर बात क्या है? दरअसल शहर के मशहूर ज्वेलर सुजीत अग्रवाल अपने कमरे में मृत पाए गए हैं। वो कमरा अंदर से लॉक्ड था। डुप्लीकेट की से दरवाजा खोलकर जब अंदर दाखिल हुए तब उनकी लाश फर्श पे गिरी पड़ी मिली। आप जल्दी यहाँ आ जाएं। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया। सुजीत अग्रवाल शहर के एक नामी ज्वेलर थे, डिटेक्टिव उनसे खासा परिचित था। अभी हाल ही में सुजीत अग्रवाल का दिवाला पिट गया था, उन्हें धंधे में बहुत भारी नुकसान हुआ था। उनकी मौत की खबर सुनके डिटेक्टिव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ ही दिन पहले वो दोनों मिले थे। डिटेक्टिव विनोद बिना डिनर किए फटाफट सुजीत अग्रवाल के घर पहुंचा और कमरे में जाकर देखा कि उनकी लाश कमरे के फ्लोर पे खून से लथपथ पड़ी हुई है और इंस्पेक्टर विजय असमंजस सा उस लाश के पास ही खड़ा है। वो डिटेक्टिव से पूछता है, तो डिटेक्टिव क्या कहते हैं, ये मर्डर है या सुसाइड? देखते हैं, वैसे तुम्हें क्या लगता है, डिटेक्टिव ने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर बोला, मेरे ख्याल से तो ये एक सुसाइड है, क्योंकि इन्हें व्यापार में भारी नुकसान हुआ था और सबसे बड़ी बात ये कि एक परफेक्टली सील्ड कमरे में थे, जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है जो अंदर से लॉक्ड था और उसकी चाबी इन्हीं की जेब में थी। यकीनन ये सुसाइड है। क्या कोई दूसरी चाबी नहीं है इस कमरे की, डिटेक्टिव विनोद ने पूछा। इंस्पेक्टर बोला, हाँ एक दूसरी चाबी है जो इनकी वाइफ मिसेज अग्रवाल के पास रहती है। ओके, और क्या मिला आपको इस क्राइम सीन से, डिटेक्टिव ने फिर पूछा। बस एक चाबी जो उनकी जेब में थी और इनकी हाथों में से एक रिवॉल्वर, इंस्पेक्टर विजय ने बताया। ओके। डिटेक्टिव विनोद लाश की अच्छे से जांच करने लगा और कुछ देर लाश के आसपास अच्छे से जांच करके वो बोला, ये सुसाइड नहीं है, ये एक कत्ल है इंस्पेक्टर विजय। अगर इन्हें सुसाइड ही करना होता तो अपने सिर में गोली मारते, एक ही झटके में काम तमाम। अपने दिल में गोली नहीं मारते, किसी ने इनको सामने से गोली मारी है, कम से कम 6-7 फीट की दूरी से। अगर इन्होंने खुद ही अपने दिल में गोली मारी होती तो इनके हाथों में बारूद या उसकी गंध जरूर मिलती, जो अक्सर रिवॉल्वर से गोली चलाने के बाद हाथों से आती है। डिटेक्टिव आगे बोला, क्या मैं वो चाबी देख सकता हूँ जो इनके जेब से मिली? इंस्पेक्टर विजय ने उन्हें एक ट्रांसपेरेंट पाउच में रखी वो चाबी दिखाई। डिटेक्टिव ने वो चाबी को अच्छे से देखा और फिर पूछा कि ये चाबी किस जेब से मिली। इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि पैंट की लेफ्ट पॉकेट से। डिटेक्टिव विनोद लाश के पास गया और अपने कोट की जेब से अपना मैग्नीफाइंग लेंस निकाला और सुजीत अग्रवाल की पैंट की जेब वाले हिस्से को गौर से देखा और फिर उसने उस पैंट की जेब और दरवाजे के बीच की सिधाई देखी और खड़ा होकर बोला, इट्स डेफिनेटली अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये बड़ी ही चालाकी से किया गया कत्ल है इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय आश्चर्य से बोला, पर कैसे, कमरा तो अंदर से बंद था। ये भी समझाऊंगा, बस पहले असली कातिल का पता लगा लूं, ऐसा बोल के डिटेक्टिव कमरे से बाहर जाकर सुजीत अग्रवाल की पत्नी से मिला। तो मिसेज अग्रवाल, बताएं जब आपके पति का कत्ल हुआ तब आप कहाँ थी? जी मैं उस वक्त पास ही में अपनी फ्रेंड गीता बंसल के घर में थी, वहाँ की टी पार्टी चल रही थी, इसलिए काफ़ी देर से मैं वहीं थी। मैं तब वापस आई जब हमारी मेड सीमा ने मुझे बताया कि सुजीत कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहे। जब मैंने मेरे पास वाली चाबी से कमरा खोला तो वो फर्श पे मरे पड़े थे। इतना बोल के मिसेस अग्रवाल रोने लगी। फिर डिटेक्टिव उनकी मेड सीमा की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, सीमा तुम्हें मिस्टर अग्रवाल से क्या काम था, सब सच सच बताओ कि क्या हुआ था। सीमा बोली, साहब ने 8 बजे कॉफ़ी देने के लिए बोला था, जब 8 बजे मैं कॉफ़ी देने गई और दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर सबसे पहले मैंने उनके बेटे मोंटी को बताया, उसके बाद मैं मेम साहब को बुलाने के लिए उनकी फ्रेंड के घर गई।
सीमा के बाद डिटेक्टिव उस घर के इकलौते चिराग मोंटी की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, तो मोंटी आप उस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मोंटी घबराते हुए बोला, सर मैं अपने कमरे में था और अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। पबजी? डिटेक्टिव विनोद ने मोंटी की आंखों में झांकते हुए पूछा। जी सर, मोंटी ने सिर झुकाए जवाब दिया। फिर डिटेक्टिव वापस सीमा की ओर मुड़ा, वो कुछ पूछना चाहता था मगर उसने पूछा नहीं और इंस्पेक्टर विजय को लेकर घर से बाहर आ गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो डिटेक्टिव क्या लगता है इन तीनों में से कातिल कौन है? डिटेक्टिव विनोद बोला, फिलहाल तो तीनों ही मेरे शक के दायरे में हैं। आओ जरा पड़ोस में भी पता कर लें कि किटी पार्टी के वक्त मिसेस अग्रवाल कहाँ थी। थोड़ी ही देर में दोनों गीता बंसल के घर के बाहर खड़े थे। इंस्पेक्टर विजय ने दरवाजे की घंटी बजाई और गीता बंसल ने दरवाजा खोला। हेलो मिसेस बंसल, हम यहाँ सुजीत अग्रवाल के मर्डर की पूछताछ के लिए आए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि जब यहाँ किटी पार्टी चल रही थी तो मिसेस अग्रवाल पूरे समय यहीं थी? मिसेस बंसल ने कहा, नहीं इंस्पेक्टर, वो करीब 7:30 बजे अपने घर गई थी और कुछ 15-20 मिनट बाद वापस आई। वो अपना पर्स घर पे भूल गई थी, वही लेने गई हुई थी। ओके मिसेस बंसल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। दोनों वहाँ से लौट आए। इंस्पेक्टर विजय ने डिटेक्टिव से कहा, मुझे लगता है 15-20 मिनट कत्ल करने के लिए काफ़ी हैं। डिटेक्टिव विनोद कुछ पल सोच के बोला, तुम एक काम करो, वापस मिस्टर अग्रवाल के घर जाकर मोंटी से पता करो कि वो अपने किन दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था। मुझे उन सब के फ़ोन नंबर्स चाहिए और काम वाली सीमा के घर का एड्रेस और कत्ल का एग्जैक्ट टाइम भी मुझे चाहिए। जितना जल्दी हो सके मुझे ये डिटेल्स व्हाट्सएप कर देना। इंस्पेक्टर विजय बोला, क्यों तुम कहाँ चल दिए? डिटेक्टिव बोला, मैं घर से जल्दी जल्दी में निकला था और जल्दबाजी में अपने कुत्ते को खाना देना भूल गया था। अब तक तो उसने भौंक भौंक के पूरा घर सिर पे उठा लिया होगा। माँ पिताजी भी गांव गए हैं, घर पे कोई है नहीं। मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊँगा। डिटेक्टिव विनोद सीधा घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसका कुत्ता घर पे नहीं है। जिस चेन से वो बंधा हुआ था उस चेन को तोड़कर कहीं भाग गया है। विनोद बड़ी ही चिंता में आ जाता है। वो उसे आवाज़ देता है, तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। वो देखता है व्हाट्सएप में इंस्पेक्टर विजय ने कुछ फ़ोन नंबर्स और काम वाली सीमा का घर का एड्रेस और कत्ल का एग्जैक्ट टाइम भेजा है। डिटेक्टिव विनोद एक एक करके उन नंबर्स पे कॉल करके पूछताछ करता है। वो नंबर्स मिस्टर अग्रवाल के बेटे मोंटी के दोस्तों के नंबर थे जिनके साथ वो पबजी खेलता था। पूछताछ में पता चला कि हाँ, सच में 6 बजे से 8 बजे तक वो लोग और मोंटी पबजी खेल रहे थे। अब शक की सुई सिर्फ काम वाली सीमा और मिसेस अग्रवाल पे थी। अपने घर से डिटेक्टिव विनोद सीधा काम वाली सीमा के घर गया। वहाँ उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, लेकिन डिटेक्टिव के लिए ऐसे ताले खोलना कोई मुश्किल काम नहीं। डिटेक्टिव ने ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ और कुछ देर में वहाँ से बाहर निकलकर उसने इंस्पेक्टर को कॉल किया। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे लगता है मैंने इस केस की गुत्थी सुलझा दी है। आप मुझे मिस्टर अग्रवाल के घर पे मिलें। सभी सस्पेक्ट्स को एक कमरे में इकट्ठा कीजिए, मैं बस पहुँचता हूँ। सभी सस्पेक्ट्स एक कमरे में एकत्रित हैं कि तभी डिटेक्टिव विनोद कमरे में दाखिल होता है और बोलता है, सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यह कत्ल हुआ कैसे। इस कत्ल में कातिल ने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया, एक रिवॉल्वर जो मिस्टर अग्रवाल की लाइसेंसी रिवॉल्वर है, एक चाबी जो मिस्टर अग्रवाल की जेब से मिली और एक फिशिंग रॉड में इस्तेमाल होने वाला तार। सबसे पहले कातिल ने मिस्टर अग्रवाल के सीने में गोली मारी। गोली लगते ही मिस्टर अग्रवाल यहाँ ज़मीन पर गिरे और उनकी मौत हो गई। फिर कातिल ने अपने फिंगरप्रिंट्स पोंछ के गन मिस्टर अग्रवाल के हाथ में पकड़ा दी। फिर उसके बाद उस कातिल ने मिस्टर अग्रवाल को घसीट के इस तरह रखा कि उनकी जेब और दरवाज़ा एक सीध में आ जाए। फर्श में गिरे खून के छींटों में घसीटने के निशान थे। सभी डिटेक्टिव की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। सभी के चेहरों में हैरानी छाई हुई थी। डिटेक्टिव फिर बोला, कातिल बहुत शातिर है। उसने फिशिंग रॉड की तार को मिस्टर अग्रवाल की जेब में डाल के उसका एक सिरा पैंट के कपड़े में छोटा सा छेद करके बाहर निकाला और उस तार के दोनों सिरों को कमरे से बाहर तक ले गया। और उसके बाद उसने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और चाबी को फिशिंग रॉड की तार के एक सिरे में बांधकर दूसरे सिरे को तब तक खींचा जब तक चाबी मिस्टर अग्रवाल की जेब में नहीं पहुंच गई, ताकि चाबी उनकी जेब में रहे और लगे कि उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक करके खुद को गोली मारकर सुसाइड किया है। फिर कातिल ने बड़ी ही चालाकी से उस फिशिंग रॉड की तार को जोर से खींचा और वो तार चाबी में से टूट गई और कातिल ने तार खींचकर अपने पास रख ली। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल है। इंस्पेक्टर विजय पूछता है, तुम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो डिटेक्टिव, और कातिल आखिर है कौन? डिटेक्टिव विनोद बोलता है, ये सब मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तुमने मुझे कत्ल का एग्जैक्ट समय बताया कि कत्ल 7 बजे हुआ था, तब मिसेस अग्रवाल किटी पार्टी में थी और जब वो 7:30 बजे घर आई तो अपना पर्स बाहर लिविंग रूम से लेकर चली गई थी। वो कमरे तक आई ही नहीं, तब तक मिस्टर अग्रवाल मारे जा चुके थे। अब बचे सिर्फ काम वाली सीमा और मोंटी।
मोंटी अपने दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था। उसने कानों में हेडफोन्स डाले थे और पबजी में चलती गोलियों की आवाज के बीच मोंटी को घर में चली गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। और फिर आखिर में मेरा शक गया काम वाली सीमा पे। घर में गोली चली और सीमा ने नहीं सुनी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों सीमा जी, सही कहा ना मैंने? ये सुनकर सीमा के चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। अब कमरे में सभी की आंखें सीमा पे जा टिकी। सीमा ही कातिल है, डिटेक्टिव विनोद ने बोला। सीमा चीखते हुए बोली, ये सब झूठ है, मैंने सांप को नहीं मारा। डिटेक्टिव विनोद बोला, अगर तुमने सांप को नहीं मारा तो ये फिशिंग रॉड की तार तुम्हारे घर पे क्या कर रही थी? सीमा रोते हुए और लगभग चीखते हुए बोली, इस तार के मिलने से ये साबित नहीं होता कि खून मैंने किया, मैं क्यों मारूंगी उन्हें? डिटेक्टिव विनोद सख्ती से बोला, इस तार का टूटा हुआ हिस्सा अभी भी उस चाबी से बंधा हुआ है जो मिस्टर अग्रवाल की जेब से मिली थी और अब इंस्पेक्टर विजय के पास है। इंस्पेक्टर विजय ने सबूतों वाला पैकेट निकाला और हाँ, उस चाबी में एक तार का टुकड़ा बंधा हुआ था। डिटेक्टिव विनोद सीमा की आंखों में देखते हुए फिर बोला, और अब आपका दूसरा सवाल कि आप मिस्टर अग्रवाल को क्यों मारेंगे, इसका जवाब शायद आपको इस फोटो को देखकर समझ आ जाए। डिटेक्टिव विनोद अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकालता है। वो फोटो मिस्टर अग्रवाल की जवानी वाली फोटो थी, शादी से पहले की, जिसमें मिस्टर अग्रवाल एक लड़की के साथ खड़े हैं और वो लड़की हूबहू काम वाली सीमा की तरह दिखाई दे रही है। डिटेक्टिव विनोद सभी को वो फोटो दिखाते हुए बोलता है, इस फोटो में मिस्टर अग्रवाल हैं और ये लड़की सीमा की माँ सुजाता, और सीमा मिस्टर अग्रवाल और सुजाता की बेटी हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने सीमा जी? डिटेक्टिव सीमा की ओर मुड़ते हुए बोला। सीमा कुछ देर चुपचाप खड़ी रही और फिर वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, हाँ हाँ, मैंने ही मारा इस आदमी को। मेरी माँ को गर्भवती छोड़कर इस आदमी ने दौलत के लालच में किसी और से शादी कर ली। इसकी वजह से मेरी माँ जिंदगी भर रोती तड़पती रही। लोग कैसे कैसे ताने मारते थे मेरी माँ को। इस समाज में बिन ब्याही माँ होना किसी अभिशाप से कम नहीं। मुझे भी समाज की गंदी गंदी बातें सुननी पड़ती थी। लोगों के ताने सुन सुनकर एक दिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। सिर्फ इस घटिया लालची धोखेबाज आदमी की वजह से मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए मैंने फैसला लिया कि इस आदमी को मार डालूंगी, जिसकी वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हुआ। उसे मैं कैसे जिंदा छोड़ सकती थी, इसलिए मार दिया मैंने इसको, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। आज मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया और मिस्टर अग्रवाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये केस तो सुलझ गया, मगर डिटेक्टिव विनोद के चेहरे में अभी भी चिंता के भाव नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर विजय डिटेक्टिव के पास गया और उससे बोला, थैंक यू डिटेक्टिव, आपने बड़ी ही सूझबूझ से इस गुत्थी को सुलझा दिया, मान गए आपके दिमाग को। इंस्पेक्टर फिर बोला, क्या हुआ डिटेक्टिव, आप खुश नजर नहीं आ रहे, क्या अभी भी कुछ बाकी है इस केस में? डिटेक्टिव विनोद बोला, नहीं इंस्पेक्टर, ये इस केस के बारे में नहीं। दरअसल आज जब मैं कुत्ते को खाना देने के लिए घर गया था तो कुत्ता घर पे नहीं था। जिस चेन से वो बंधा हुआ था वो चेन अपनी जगह से उखड़ी हुई थी और आंगन में कुछ खून के धब्बे भी थे। उस चेन को उखाड़ना इतना आसान नहीं, कुत्ते ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें या उनके मालिक को कोई खतरा हो। ऐसे वक्त में वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने उस चेन को तोड़ने के लिए पूरी जान लगा दी। बस मुझे अपने कुत्ते की चिंता हो रही है कि आखिर किस खतरे को भाप कर उसने अपनी जंजीर उखाड़ दी, और आखिर वो किसके पीछे भागा होगा, वो खून के धब्बे किसके हो सकते हैं। मुझे कुछ बड़े खतरे का अंदेशा हो रहा है, इंस्पेक्टर विजय बोलता है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले थाने आकर कुत्ते की मिसिंग रिपोर्ट लिखा दीजिए, बाकी आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने कहानी को यहाँ तक सुना है तो कृपया करके इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस कहानी का अगला भाग जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल में दूसरी हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर कहानियों का आनंद लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।